सूबे में जो मुल्क में बड़ी पार्टी आई है मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने पीपल पार्टी से रब्ता किया है, एमपीएम से रब्ता किया है। अगर इस हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीके साफ के जो हिमात याफ्ता उम्मीदवार हैं वो सबसे ज़्यादा है। क्या आपकी जानिब से पीपल पार्टी से एमपीएम से हुकूमत बनाने के लिए कोई रब्ता हुआ है या रब्ता करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो हमारे 68 सीटों पर बैठी हुई है, दांधली के जरिए जीते हमें सिंध में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 21 सीटें जीती हैं और वो 78 बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 185 सीटों को इन्होंने CNA में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं आपको मिसालें देता हूं, इस्लामाबाद की 3 सीटें, पिंडी की 4 सीटें जो हमने चैलेंज किए जिनके नतीजे रोक दिए गए हैं, 1-1 लाख 1.25-1.25 लाख से हम जीते हैं। सारे हलकों में यही सूरत हाल है, 15,000, 20,000 और 30,000 से उनको जितवाया हुआ है। फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास हैं, शाम तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद पूरी मुल्क और पूरी दुनिया देख सकती हैं। और फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है बल्कि हल्के में कंटेस्ट करने वाले हर एजेंट के पास, फिर डी इलेक्शन कमीशन के पास हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ के पास हैं, RO ऑफिस के पास हैं, फिर विनिंग कैंडिडेट्स के पास हैं। तो लिहाजा एक अगर हम अपना फॉर्म 45 देंगे वो कह सकते हैं कि जी ये टेम्पर्ड है, लेकिन जो इतनी कापियाँ इन्होंने ओरिजिनल बाकायदा इस पर प्रिजाइडिंग अफसर का थंब इम्प्रेशन लगा होता है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है वो गलत बात कर रहे हैं। हम अपन हमारे हक पे बैठे हुए पार्टी के साथ किस तरह इत्तेहाद कर सकते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, 68 हमारे MPAs सिंध में जीते हैं, फिर MQM ने एक भी सीट नहीं जीता है कराची हैदराबाद के शहरी इलाकों के, वो तमाम नशीस्तें हम जीत चुके हैं। फॉर्म 45 हमारे पास हैं, 5,000, 4,000 वोट लिए MQM के उम्मीदवारों ने, इन्होंने इनके आगे 76,000 और 78,000 और 1-1 लाख सिर्फ फॉर्म 47 की चीटिंग के जरिए। अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट हैं, नवाज शरीफ जो हैं अभी उसकी 46 सीटें नहीं थी कि वो विक्ट्री स्पीच करने बैठ गए, 46 सीटों से ये इस ऐवान का कौन सा शख्स जो है, और वो 46 में भी उसकी जेनुअन जो सीटें बनती हैं उसमें भी 7 पे हमारे उजरात हैं, 21 सीटें थी, 21 सीटें जीतने वाला शख्स जो है कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी को अगर हम ज़्यादा भी हम प्रीमियम दे दें डाउट का, 16 सीटें उन्होंने जीती हैं तमाम सीटें मिला के, वो कह रहे हमने 56 सीटें जीती है। ये सारे फॉर्म 45 जो हमें मिले हैं ये शाम तक अपलोड हो चुके होंगे, पूरी दुनिया देख सकती है। हमारे साथ कुल 87 हलके जो हैं हमारे, उनकी दांधली की गई हैं, हम जीते हुए हैं। 2/3 मेजॉरिटी हमारी जो पंजाब में 112 सीटें सूबाई असम्बली की नून को दे दी है, जीती हुई सीटें हैं। इसी तरह KP में भी अमीर मकाम की सीट पर दांधली की गई, वहाँ पे हमारे वर्कर को शहीद भी किए, 3 वर्कर हमारे शहीद हुए। इसके अलावा 2 सूबाई असम्बलियों पे जो पेशावर के अर्बन इलाके हैं जहाँ टारगेटेड उन्होंने लोगों को पास कराया है KP में, और KP में चूंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी से जीत छीनना कोई आसान काम नहीं है, ये इनके बिसात में ही नहीं था कि जीत जो है हमसे छीनते। हमारी आप सब की हमारी मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है, अगर हमने जीती है ये सीट, हमने इसमें मेहनत की है, वर्कर ने वोटर ने वोट दिया है, तो फिर DRO या RO रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल है।